अरे बहुत डर लगता है जब कोई कहता है मेरा यकीन करो। किसी की राह में कांटे बिछाने वाल्व किया, तुम ये नहीं जानते कि उनके पैरों से रिसने वाला खून तुम्हारी किस्मत के सफों को काला कर सकता है। ये याद रखना, अल्लाह की यहाँ हर चीज का हिसाब है। अक्ल का गलत फैसला भी जज्बात के सही फैसले से बेहतर होता है। लोग गाड़ी धोने में इतना पानी खर्च कर देते हैं जो एक खानदान की दिन भर की तमाम जरूरियात के लिए काफी हो। पैसा इंसान के कपड़े बदल सकता है, औकात नहीं। हम दौलत से आराम वाला बिस्तर जरूर खरीद सकते हैं, मगर आराम वाली नींद नहीं। लीजिए, और अल्फाज की खूबसूरती वो मखसूसात है जो आपको आन देखे इंसान का दीवाना बना देती है। इंसान को हर रोज खुद को किसी चैलेंज के सामने पेश करना होता है ताकि वो इससे बहुत कुछ सीख कर निकले। अपनी तकलीफ तकलीफ लगे और दूसरों की तकलीफ जब ड्रामा लगे तो मुबारक हो, मुनाफिक हो गए हैं अब। सरबराही या गुलामी ताकत के होने या ना होने से नहीं, ये आपकी जहनी सलाहियत पर मुनहसिर होता है। बदनिगाही ऐसा गुना है जो इबादत की लज्जत छीन लेता है। बसीरत और तकवा इंसान को इस वक्त हासिल होता है जब वो ऐसी बात पर शुक्र अदा करे जिस पर सब्र करना भी मुश्किल हो। मुसलमान को फायदा ना पहुंचा सको तो उसे नुकसान ना दो, खुश ना कर सको तो रंजीदा ना करो, और तारीफ ना कर सको तो गीबत ना करो। पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन अगर इनको झोंका लिया जाए तो बराबर हो जाती है। बाज औकात जिंदगी तब आसान हो जाती है जब हम झोंकते हैं और नर्म रवैया इख्तियार करते हैं। हम सच कहां बोलते हैं, हमें सच बोलना ही कब आता है। हम तो सच उगलते हैं, थूकते हैं, दूसरों के चेहरों पर कीचड़ की तरह मिलते हैं। औरतों को गर्लफ्रेंड बनाने की बजाय बीवी बनाओ ताकि तुम्हारी बहन और बेटी भी लोगों की गर्लफ्रेंड बनने से महफूज रह सके। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, अल्लाह के देने में नहीं। जानते हैं इन इंसान के कहते हैं, जिसकी आंख में एहतराम हो और अल्फाज में नरमी, जिसके अखलाक में रहम दिली हो और मकासिद में आला जरफी। बेहतरीन मुसलमान बनने के लिए अपनी जबान पर कंट्रोल और मुसलमान की इज्जत नफस का ख्याल बहुत जरूरी है। इंसान के तीन हिस्से हैं, एक हिस्सा अल्लाह का है, एक अपना, एक हिस्सा कीड़े मकड़ों का। जो हिस्सा अल्लाह का है वो रूह है, जो अपना है वो अमल है, जो केटरों का है वो जिस्म है। मायूस मत हो, अल्लाह सबसे ज्यादा मायूस कौन लम्हात में उम्मीद भेजता है। सबसे भारी बारिश तारिक तरीन बादलों से ही होती है। ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, इज्जत से जो मिले वो कतरा भी बहुत है। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चुल्लू, और अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगो, पर आगे बढ़ते रहो। सारी बात तलब की है, चाहत की है, लगन की है। फिर पत्थरों से चश्मे भी फूटते हैं और रास्ते भी बनते हैं। एक बात याद रखें, जब आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब आपका भी कहीं अच्छा हो रहा होता है। खुद एतमादी से चलते रहना हैरान और परेशान होकर भागने से कहीं ज्यादा बेहतर। दूसरों के तालाब से अपना तालाब भरने वालों की वादियों में आप हयात के चश्मे नहीं फूटा करते, और किसी के चराग का तेल चोरी करके अपना दिया जलाने वाले के आंगन में ज्यादा दिनों तक रोशनी नहीं रहती। आदमी तीन ही अच्छे हैं, एक वो जो मर गया है, दूसरा वो जो अभी पैदा नहीं हुआ, तीसरा वो जिससे कोई ताल्लुक नहीं। सब्र से रहमत का इंतजार कर, जो चीज तेरे लिए है तेरे लिए ही है, और देर हिकमत पर मबनी होती है। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सके। लोग बदलते हैं ताकि उनके असली चेहरे जान सके। मंजिल पाना तो दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। देसी अंडे क्यों फायदेमंद होते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक किया हुक्म फरमाया है।
तिब नबी ने लिखा है कि इमाम बहेकी आयरा ने शब अलीमान ने एक मरफू असर नकल किया है कि अंबिया में से किसी नबी ने अल्लाह ताला से अपनी गैर मामूली कमजोरी की शिकायत की तो अल्लाह ताला ने उनको अंडे को खाने का हुक्म दिया। इसी तरह और एक हदीस भी अक्सर नजर से गुजरती है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास आया और उसने शिकायत की कि मेरे घर में औलाद पैदा नहीं होती। रसूल अल्लाह ने इसके लिए इलाज तजवीज फरमाया, तो अंडे खाया करो। देसी अंडों में प्रोटीन, आयरन और विटामिन B12, फास्फोरस और सेलिनियम हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। एक अंडे से आप 6 ग्राम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। आपकी जल्द पट्ठों, वदूद और जिस्म के दूसरे हसूनुना को सेहतमंद रहने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। आधा गिलास अदरक का जूस ले और उसमें एक देसी हाफ बॉइल अंडा मिक्स करें। इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर महलूल बना लें और रोजाना इसका इस्तेमाल आपको मर्दाना कमजोरी से निजात दिलाता है। हराम तरीके अहराम की कमाई से खरीदे गए देसी घी से बनी चावरी कभी भी इस सूखी रोटी से बेहतर नहीं हो सकती, जो सूखी रोटी हलाल तरीके से कमाई गई हो। तस्बीह कहती है, फकत मुझे नहीं थोड़ा खुद को भी फिर। हर शख्स की अपनी कहानी होती है, वो ऐसा क्यों है इसकी भी कुछ न कुछ वजह होती है। इसलिए जरूरी है कि किसी को परखने से पहले इसके हालात का मुकम्मल जायजा लिया जाए। हम दूसरों को उनके किरदार पर नहीं अपनी जरूरत के मेयार पर परखते हैं, इसलिए जरूरत बदल जाने पर रवैये भी बदल जाते हैं। दूसरों को वही बताएं जो आप हैं। झूठ बताने से ना तो आप थोड़े से ज्यादा ऊंचे हो जाएंगे और ना ही थोड़े से नीचे। हाँ, बस ऐसा होगा कि जब आपकी हकीकत दूसरों के सामने खोल जाएगी तो आप नजरों में इतना नीचे हो जाएंगे कि फिर उठना नामुमकिन हो जाएगा। बूढ़े लोग बीमारी से नहीं, अकेलेपन और तन्हाई से मर जाते हैं। वालिदैन की बात पर इतना तो यकीन रखें, जितना अब दवाई पर रखते हैं थोड़ी कड़वी होगी लेकिन फायदा मंद होगी। जब सहने की लत पड़ जाए तो कहने की चा दम तोड़ देती है, फिर एक चुप होती है। और हम होते हैं, कभी कभी जिंदगी ऐसे शदीद इम्तिहान लेने पर आ जाती है कि न किसी को बताकर दिल हल्का किया जा सकता है, ना मदद ली जा सकती है और ना ही जब्त कर जाना मुमकिन होता है। हर शख्स सच को पसंद करता है, मगर वो सच जो उसकी मर्जी का हो, बड़े से बड़ा सच्चा इंसान भी अपनी जात के खिलाफ कड़वा सच बर्दाश्त नहीं करता। इंसान रिश्तों की तलखियां कभी नहीं भूलता, मगर रिश्तों को आगे बढ़ाने और निभाने के लिए इसे बहुत दफा ये साबित करना पड़ता है कि इसे कुछ भी याद नहीं। लफ्जों से भी खराश लगती है, तबसरे कीजिए साहिब, लेकिन धीमे रहिए, कहीं कोई दूसरा आपके नोकदार अल्फाज से जख्मी ना हो जाए। दूसरों का एहसास करने से इंसान का अपना वकार बढ़ जाता है। दीवार से लगे शीशे और दिल से जुड़े रिश्ते हमेशा गफलत से ही टूटते हैं।